Hello guys, welcome back to asanhaina.com. I am Neema Dobriyal. Friends, अगर आपको हमारी videos अच्छी लगती हैं, तो आप उन्हें like कीजिए and उन पे comment कीजिए. अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी videos email के through future में मिलती रहें, तो आप हमें YouTube पे subscribe करें. Plus, आप हमें Facebook and Twitter के through भी follow कर सकते हैं and ब्लॉगर के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकती हैं. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी साइट्स फाइंड आउट करने में या हमारी वीडियो फाइंड आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी साइट्स पे डायरेक्ट विजिट करें. हमारी साइट का नाम है www.asanhaina.com. ओके फ्रेंड्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था? व्हाट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स, वो हमारा क्या था? वो हमारे जर्नल का लास्ट टॉपिक था. अब क्या करते हैं हम अपना लेजर. लेजर एक्चुअली होता क्या है? लेजर एक डबल एंट्री सिस्टम है जिसको हम दो जगह रिकॉर्ड करते हैं. बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट एंटर्ड इन द जर्नल फॉर स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स. मींस क्या है, जितने भी बिजनेस होते हैं वो सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? फर्स्ट अपने जर्नल्स में और स्पेशल पर्पस सब्सिडरीज बुक में. या तो वो जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, फिर या तो सब्सिडरीज बुक में. फर्स्ट सबसे पहले यहीं रिकॉर्ड करते हैं वो अपने जर्नल में. हमने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में जर्नल का सारा टॉपिक बताया हुआ है. हमारे जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं उसमें हमने क्या बताया हुआ है आपको कि हमारी जर्नल में रिकॉर्डिंग कैसे होती है. उसी के बाद हम क्या करते हैं, स्टार्ट अपना लेजर. लेजर में ये है कि जर्नल में रिकॉर्डिंग के बाद हम जो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उसको हम कैसे अपने लेजर में पोस्ट करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है. किससे? जर्नल से. दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो सारी एंट्री है रिकॉर्ड की जाती है जर्नल में और स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक में, वो क्लासिफाइड की जाती हैं. ठीक है, वो सारी बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं जर्नल में, उनको क्लासिफाइड किया जाता है. क्लासिफाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमने ऑर्डर में वो क्लासिफाई किया है उसको, उससे हम पता लगाते हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का. बिजनेस में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे अकाउंट्स के थ्रू. और जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड, उनको हम कहाँ कलेक्ट करते हैं? अपने एक प्लेस पे. उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? लेजर. ओके, तो ये हमारा क्या था, प्रोसेस था जर्नल टू लेजर. शॉर्ट में हम बताते हैं आपको, द लेजर इज़ अ बुक विच कंटेन ऑल द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज वेदर पर्सनल रियल और नॉमिनल. मींस जो हमारी लेजर है वो एक तरह की बुक है, बुक है जिसमें हम जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. तो ये हमारा क्या था, जर्नल. अब नेक्स्ट टॉपिक है नीड्स एंड इम्पॉर्टेंट. जर्नल हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? जर्नल हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये पता लगाता है कि बिजनेस ने कितना कस्टमर को सप्लाई किया है, कितना फर्म ने कस्टमर को पे किया है और क्या सेल हुआ है, क्या अमाउंट परचेज हुआ है. ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड का चेक करते हैं कि हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना लॉस अर्न किया है. जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं लेजर में, वो सारी हम क्या बनाते हैं, इंडिविजुअली सबको डिफाइन करते हैं अलग अलग, ताकि हम ये जान सकें कि हमारे पास कितना सेल हुआ है, कितना परचेज हुआ है और कितना हमने अपने कस्टमर को सप्लाई किया है और कितना हमने उनसे पे किया है. ये सब हम कहाँ क्लासिफाई करते हैं, कहाँ समराइजिंग करते हैं? अपनी लेजर में. फर्स्ट हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं. जर्नल में हम क्या करते हैं, समराइज क्लासिफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं. इंटरप्रेटिंग के बाद जो रिजल्ट होता है अपने फाइनल यूज़र को प्रोवाइड करते हैं. फाइनल यूज़र को प्रोवाइड करने के बाद हम हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस बचे होते हैं, हमारे पास जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, हम उनको लेजर जर्नल से उठा के अपने लेजर में पोस्ट कर देते हैं. ये हमारी क्या होती है, जर्नल टू लेजर प्रोसेसिंग होती है. ओके गाइस, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग.